त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ आज सरदारशहर में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले क्षेत्र के किसानों ने कृषि मंडी में प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि इस कानून से किसान की फसलें औने पौने दामों में बिकेगी तथा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, वहीं देश की मंडियां बर्बाद हो जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय किसान सभा के सदस्य मौजूद थे। ये अध्यादेश जो लाई है सरकार, उन तीनों कृषि अध्यादेशों में किसान के खिलाफ है, किसान के पक्ष की नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी कल और परसों प्रधानमंत्री ने यह कहा कि MSP को ख़त्म नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं तुम अगर ख़त्म नहीं करोगे तो इन अध्यादेशों में लिख दो ना कि कोई भी व्यापारी अगर MSP से नीचे अगर किसान का अनाज खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। इसलिए आज पूरे देश में न सिर्फ हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, 200 से ज़्यादा किसान संगठन जो है वो पूरे देश में आज भारत बंद का आह्वान किया है। हम भी यहाँ सरदार शहर में, यहाँ मंडी के पास, सावर में, पानीपुरा में और दूसरे तीसरे इलाकों में, सब जगह किसान अपने अपने गांव में आज इसका विरोध कर रहा है। नहीं, जब तक अध्यादेश वापस नहीं हुआ तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और सरकार को अंततः ये तीनों अध्यादेश वापस लेने ही पड़ेंगे। वहीं सुजानगढ़ में भी कृषि बिलों के विरोध व बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान रेलवे स्टेशन से रैली के रूप में रवाना हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड कार्यालय के कार्मिकों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी 235 संगठनों का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया गया है, जो लोकसभा में तानाशाही से किसान व मजदूर विरोधी जो काले कानून बनाए गए हैं उनको लेकर राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। उसके विरोध में सुजानगढ़ तहसील के किसान उन काले कानूनों को वापस ले और सरकार से यह मांग करते हैं कि हमें आपके कानूनों की जरूरत नहीं है, हमें हमारी फसल का समर्थन मूल्य तय करो। और जो 2014 में आप सत्ता में आने के बाद में किसानों से वादा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है और मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, लेकिन उसी के 15 दिन बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू नहीं कर सकता। यह एक किसानों व आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। जिला मुख्यालय पर कल देर शाम यूथ कांग्रेस की ओर से हाल ही में पारित कृषि बिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंद्रोणी पार्क से लेकर रेलवे स्टेशन तक मशाल जुलूस निकाला गया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इस मौके पर मानवेंद्र बुडानिया ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा किसानों और कृषि व्यापार से संबंधित 3 बिल लाए गए हैं, जिसका पूरे देश में किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। पिछले दिनों राज्यसभा सदन में पास हुआ बिल जो कि किसान विरोधी बिल है, किसानों के लिए काला कानून है, जिसके अंदर ना कोई स्पष्टता है ना कोई पारदर्शिता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये देश की सरकार किसानों को ठगने जा रही है। आज हमारी मुख्य मांगे जैसे कि किसान विरोधी बिल, इसको वापस लिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, इस देश के भविष्य के साथ जो मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं उस खिलवाड़ करने को बंद करने का समय आ गया है। आज इस देश का युवा जाग उठा है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनको तैयार है। हमें सड़क से लेकर संसद तक जहाँ तक हम लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। चुरू के युवाओं ने जिसके अंदर किसान विरोधी काले बिल को वापस लेने की हमने मांग रखी और हम केंद्र सरकार से ये मांग रखते हैं कि जब तक आप ये काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम अपनी आवाज़, अपनी लड़ाई ऐसी लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस देश का युवा तैयार है। जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि आज का दिन विशेष दिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास का था और इसी सोच के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसान बिल पास किया है उसमें देश के अन्नदाता किसान को लाभ होगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा किसान की आय को दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया है इस बिल के माध्यम से वह लक्ष्य प्राप्त होगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण व पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।
वहीं रतनगढ़ में भी आज भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के नेतृत्व में 39 बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मंडल के अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक व संगठनकर्ता थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश में एकात्म मानववाद विचारधारा प्रदान की। इस दौरान मंडल महामंत्री भरत सैनी ने बताया कि शहर मंडल के 8 शक्ति केंद्रों में 39 बूथों पर प्रभारियों ने बूथ अध्यक्षकों के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर जयंती कार्यक्रम को संपन्न करवाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक देश का सही मायनों में विकास नहीं होगा। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम व्यक्ति के विकास का हम सबको संकल्प दिलाया है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए अंत्योदय योजना चलाकर पंडित दीनदयाल जी के सपनों को वास्तव में साकार किया था। आज के अवसर पर हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सादुलपुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए लूदी गांव के पास एक शराब से भरे ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह शराब प्लास्टर ऑफ पेरिस के कट्टों की आड़ में शराब तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हरियाणा की ओर से एक शराब से भरा ट्रक आ रहा है। सूचना के बाद जब पुलिस ने लूदी गांव के पास नाकाबंदी कर ट्रक को रोकने का इशारा किया तो चालक ट्रक को भगाने लगा, लेकिन पुलिस ने ट्रक का पीछा कर ट्रक को दबोच लिया। वहीं पुलिस ने मौके पर ही ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक से 332 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने बताया कि यह शराब अम्बाला से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। गुजरात नंबर का ट्रक है, बाड़मेर का घुमाने का तला करने वाला यह तेजाराम नाम का व्यक्ति है जिसका खुद का ट्रक है। ये अम्बाड़ा की तरफ से शराब भर के लाया जिसमें 332 कार्टून मैकडोवल नंबर 147 चंडीगढ़ ओनली शराब। सर ये कहाँ ले जाए? ये शराब अम्बाड़ा की तरफ से लाई जा रही थी और गुजरात इसको बॉर्डर पर देनी थी तो ये गुजरात तस्करी के लिए जा रही थी। प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। रतनगढ़ के रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित रैन बसेरा में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण आज कांग्रेस नेता भवनलाल पुजारी ने किया। इस दौरान पुजारी ने भोजन की गुणवत्ता संबंधी जानकारी ली तथा भोजन कर रहे लोगों से बातचीत की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों से कहा कि सभी जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन तय समय पर मिले, इसका ध्यान रखा जाए। वहीं इसके पश्चात पुजारी ने लिंक रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान वार्ड संख्या 1 में एकत्रित गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान करवाने पर वार्ड के लोगों ने पुजारी का आभार प्रकट किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेशव्यापी आह्वान पर पीईओ कार्यालय के मुख्य द्वार पर राज्य सरकार के वेतन कटौती संबंधी आदेशों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला संयोजक शुभकरण नैण व तहसील मंत्री महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में रतनगढ़ तहसील के गांव बीना देसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के आगे वेतन कटौती के आदेशों की होली जलाई गई। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिगड़ ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के नाम पर कर्मचारियों के माह मार्च के 15 दिवस के वेतन स्थगन पर कोई माकूल कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं अब सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह कटौती करने का आदेश जारी कर दिया है जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है।
जिला मुख्यालय पर भी आज राजस्थान शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सरकार ने पुलिस व चिकित्सा कर्मियों को छोड़कर शिक्षकों सहित शेष कर्मचारियों से उनकी बिना सहमति के ही प्रतिमा वेतन कटौती के मनमाने आदेश जारी किए हैं, जिसका शिक्षक संघ पूर्णतया विरोध करता है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश कार्यकारिणी के प्रांतीय आह्वान पर आज राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों की और अन्य कर्मचारियों की भी जो वेतन कटौती के आदेश सरकार ने किए हैं प्रतिमा उसका विरोध में, और जो 15 दिन का स्थगित वेतन है उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और आज हम लोग सब जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। और हमारी ये दोनों ही मुख्य मांगे जो हैं वो अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा और आगे पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया जाएगा। पीछे भी हमने जो तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए थे उसका कोई असर नहीं हुआ है, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी है, इसलिए आंदोलन को और भी आगे तेज़ किया जाएगा। मैं शिव कुमार शर्मा, जिला मंत्री राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय चूरू। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज डीएम ने जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली है। यह बैठक जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई है। इसमें जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों से कहा है कि कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाएं। सरदारशहर में आज सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जितेंद्र जेदिया के नेतृत्व में ईओ से मिला तथा अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। वहीं ईओ ने सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनकर आश्वासन दिया कि यदि समस्या हमारे अधिकार क्षेत्र की है तो उसका शीघ्र निपटारा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सफाई व्यवस्था में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी आदि उपस्थित थे। बाकी जो आपकी वाजिब मांगे जो नगरपालिका स्तर की है वो तो नगरपालिका स्तर पर सुलझा दी जाएंगी, और कोई आपको अन्य लाभ दिलाना है कोरोना से संबंधित या जो भी है उसके लिए हम राज्य सरकार को पत्र लिख देंगे, जो भी कोई प्राप्त होगा वहाँ से मार्गदर्शन उसके हिसाब से हम आपके लिए कार्यवाही कर देंगे। रही बात मृतक कर्मचारी हो गए या रिटायरमेंट के कर्मचारी हो गए, उनके लिए SI को और स्थापना शाखा को पाबंद कर देंगे कि वो तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी फाइलें निकालें और उन पर तुरंत कार्यवाही करें। ये बात किस तरह ने सभी के लिए अपने दरवाजे खुले हैं, किसी के लिए कोई किसी की सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है, न किसी से कोई कहलवाने की जरूरत है। जो काम है नियम है नियमानुसार काम होगा, लेकिन सफाई के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अनुशासन नहीं था बिल्कुल भी नहीं। काम करो, वाजिब मांगो तो मेयर को बताओ, अपने SI से कहो, लिख के दो इसे, ये मेयर से कहेगा, फिर भी नहीं हो फिर आप विरोध करो, प्रदर्शन करो, उसकी बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि साहब बिना बताए आप कार्य से अनुपस्थित हो जाओगे तो उसमें फिर दिक्कत आएगी। बात यही थी, हमने ज्ञापन दिया था 21 तारीख को कि अगर गैर बालमी की एक समय काम करता तो हम भी एक समय काम, हमने एक समय काम किया है वो भी एक समय काम किया, हड़ताल पर बिल्कुल नियमन था न हम हड़ताल करना चाहते, मेरे ज्ञापन में हड़ताल की बिल्कुल ही नहीं, हमने सिर्फ अधिशासी अधिकारी और SI साहब को अवगत कराया। इसमें लिखा है कि अगर वो गैर बालमी की आधे दिन करेंगे तो हम भी आधे दिन करेंगे, इसकी सफाई निरीक्ष की अनिल की जिम्मेवारी इसमें स्पष्ट लिखा है। नेशनल हाईवे 11 पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 16 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। टोल एम्बुलेंस मृतक को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल लेकर आई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल आई पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव ठटावता निवासी 16 वर्षीय महेश अपने बड़े भाई बजरंग को टीडियासर स्थित ननिहाल छोड़कर वापस गाँव जा रहा था कि नेशनल हाईवे पर टोल से आगे बाइक की भिड़ंत ट्रोले से हो गई। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस दौरान PMO डॉक्टर राजेंद्र गोड़ एवं निवर्तमान प्रधान गिरधारीलाल मांगड़वा के आतिथ्य में जन जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर राज्य फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के जिला सचिव डेढ़राज बबेरवाल ने बताया कि पोस्टर में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया है। साथ ही अस्पताल में आए लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। वहीं इसके अलावा BL सैनिक कमेटी 2017 के अनुसार 5 स्तरीय कैडर गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं। इस मौके पर रामचंद्र प्रजापत, दयाशंकर जांगिड़, सौरभ शर्मा व मनीषा शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे।
भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल पिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक मिलिट्री नवोदय स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल पिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। करंट की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना 4 दिन पूर्व की है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव देरासर निवासी 35 वर्षीय परमेश्वर गांव के ही हरि सिंह भाटी के खेत में जुताई कर रखी है। 4 दिन पूर्व युवक खेत में गया, उस दौरान 11,000 KV हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं खेत मालिक आज फसल की सार संभाल करने के लिए खेत पहुंचा तो युवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। हरि सिंह ने घटना की सूचना परिजनों एवं पुलिस को दी। सूचना पर ASI नंदलाल सिंह मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। भामाशाह पंकज सुराणा ने गुरुवार को जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना एवं CEO शैलेंद्र सिंह इंदलिया, RI रणवीर को बाल कलाकारों द्वारा तैयार कलाकृतियां भेंट की। उल्लेखनीय है कि भामाशाह सुराणा ने जिले में कोरोना काल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित आर्ट प्रतियोगिता में बाल कलाकारों द्वारा तैयार कलाकृतियों को 4,00,000 रुपए की राशि से क्रय की थी। इनमें से श्रेष्ठ कलाकृतियों को गुरुवार को भामाशाह ने भेंट की। जिला कलेक्टर ने भामाशाह पंकज सुराणा का आभार व्यक्त किया। पंचायत आम चुनाव 2020 के तीसरे चरण हेतु चूरू में संपन्न होने वाले चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को आज प्रशिक्षण देकर पंचायत समिति चूरू से रवाना किया गया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर डॉक्टर JB खान ने बताया कि ये रिटर्निंग अधिकारी कल सरपंच चुनाव एवं उप सरपंच चुनाव हेतु नाम निर्देशन प्राप्त करेंगे। जिला महिला मोर्चा द्वारा आज आर्य समाज सुजानगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर वृक्ष लगाकर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटोरिया ने बताया कि पंडित जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। सरदारशहर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी के तहत आज शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी बिना हेलमेट व मास्क न लगाकर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। सरदारशहर के आथुड़ा बाजार में आए दिन नाला अवरुद्ध हो जाने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसके कारण व्यापारी एवं आमजन परेशान हो रहे हैं। वहीं व्यापारियों ने कई बार नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने बताया कि आए दिन सड़क पर पानी भर जाता है, जिसके कारण व्यापारियों को विभिन्न परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं EO ने बताया कि इस समस्या के निराकरण के लिए शीघ्र टेंडर निकाला जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 21 तारीख को बोर्ड भंग हुआ था, उसके बाद हमारे विधायक महोदय ने तुरंत हमें सब्जी मंडी और मुख्य बाजार में गंदे पानी की निकासी के लिए निर्देशित किया था। और उस दिन से लेकर आज तक हम डेली प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर गंदे पानी की निकासी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमने सब्जी मंडी और मुख्य बाजार के गंदे पानी की व्यवस्था काफ़ी हद तक संभव हल कर लिया। अब रही है, आप जो आज मौका दिखा रहे हो इसमें 3 छोटे छोटे ब्लॉक हैं, और जो आगामी नाले का निर्माण हो रहा है उसमें इनको छोड़ा करके मिला दिया जाएगा। और जब तक नाले का निर्माण नहीं हो तब तक सोमवार से इनको तुड़वा के हम अस्थायी रूप से इनका पानी निकासी व्यवस्था कराने का अधिशासी अधिकारी महोदय से प्रयास करेंगे। हमने 1.5 करोड़ के नाले का एक टेंडर किया हुआ है, और जो ये कोई छोटे नाले और भी जो ब्लॉक है उनका आज फिर से टेंडर ओपन होने वाला है, जो उसमें तकनीकी अधिकारियों से परीक्षण करके तुरंत ही।
सर एक बार है स्थायी समस्याई के लिए सफाई कर्मचारी लगाकर जहाँ भी कोई ब्लॉकेज है उसको खुलवाते हैं। अपने देश से बाहर जाकर कार्य करने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। जहां कई लोग देश से बाहर जाकर मजदूरी कर अपना घर खर्चा चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर पढ़े लिखे लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर बाहर जाकर शिक्षा में अपना नाम अर्जित कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं गाँव गांगिया सर के सिकंदर अली खान से, जो सऊदी अरब में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर अली खान है और मैं गांगिया सर झुंझुनू पास में चूरू के 20 किलोमीटर है वहाँ का रहने वाला हूँ। सिकंदर जी, आपने यहाँ पर बीएड कब की थी? मैंने बीएड 2003 में की थी। तीन में? तो अभी आप टीचिंग जॉब में कहाँ पर हैं? मैं फिलहाल टीचिंग जॉब में सऊदी अरब में हूँ। और कौन सी स्कूल होती है उस वहाँ पर? वहाँ पर अपने CBSE स्कूल होती है। मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल है। अच्छा, कौन संचालित करता है वहाँ इंडियन CBSE? जितनी भी CBSE स्कूल है उनको अपने इंडियन एम्बेसी जो है वो संचालित करती है। जी, तो वहाँ अगर एजुकेशन की जॉब जो है वो लगना एक बड़ी बात है। कैसे आपको मौका मिला और कैसे आप अन्य जो युवा हैं हमारे जिन्होंने बीएड किया है फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन जॉब में, क्या उनके लिए अवसर है? बिल्कुल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को पता नहीं होती है। मैं भी संयोग से चोरू जिले के मेरे एक रिलेटिव है जाकिर खान दिलावर खानी, तो उनसे मुझे मौका मिला। मैं बाहर जाना चाहता था तो उन्होंने कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने कहा मैं MA बीएड कर रखा है। तो उन्होंने, वो मुंबई रहते हैं, उन्होंने फिर मुझे कहा कि टीचर का ही जॉब है, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। तो स्काइप इंटरव्यू हुआ मेरा और फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। केवल एक इंटरव्यू में? बिल्कुल, एक कोई एग्जाम नहीं कुछ वो ज्यादा? बिल्कुल, एक नॉर्मल इंटरव्यू हुआ। मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए गए, उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो डिग्री है वो भेजिए। तो व्हाट्सएप मैंने किया, उन्होंने डिग्री चेक किया, करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह मुझे पूछा गया और मैंने बताया। इंग्लिश में ही मेरा इंटरव्यू हुआ क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है टोटल, हाँ, CBSE है। तो मेरा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और फिर आज से 4 साल पहले 2016 में मैं यहाँ से गया था। अच्छा, 16 में आप टीचर बन गए थे वहाँ? क्या सब्जेक्ट है आपका? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी पढ़ाते हैं। तो आप क्या कहेंगे जो हमारे नए युवा हैं जो आज बीएड कर रहे हैं और इंग्लिश उनकी बड़ी कमज़ोर रहती है, तो आपको क्या ऐसा सामना करना पड़ रहा है कि सब्जेक्ट का थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेन में अगर इंग्लिश की बहुत वैल्यू है, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आप बाहर वहाँ अपॉर्चुनिटी हमें पता नहीं है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं फॉरेन की, गल्फ की जितनी भी स्कूल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश अगर नॉर्मली इंग्लिश अगर हमको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान है तो जा सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का अगर अच्छा ज्ञान है तो आप बिल्कुल फॉरेन जा सकते हैं। क्या बात है, यहाँ पर तो अन्य एग्जाम देते देते आदमी बूढ़ा हो जाता है टीचिंग जॉब में, लेकिन आपका सिंगल एक इंटरव्यू में आप वहाँ पर फॉरेन में टीचिंग जॉब में आ गए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या आपके इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से लगते हैं या सऊदी अरब गवर्नमेंट के हिसाब? बिल्कुल, उनमें बिल्कुल दोनों का एडजस्टमेंट किया जाता है। वैसे CBSE के जो जितने भी रूल होते हैं वो ही लागू होते हैं, और जब जिस टाइम अपने बोर्ड का एग्जाम होता है उसी टाइम CBSE सेम टाइम पे उधर पेपर बोर्ड का एग्जाम होता है। और बच्चे इंडियन ही हुए हैं सारे बच्चे? टोटल लगभग इंटरनेशनल स्कूल है, मिनिमम कोई 1-2% बच्चे अगर दूसरे कंट्री के होंगे, लेकिन लगभग इंडियन ही बच्चे होते हैं, ज्यादातर साउथ के बच्चे होते हैं। साउथ के बच्चे? जी जी जी। तो बहुत बढ़िया, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा मिलेगी हमारे युवाओं को कि इस तरीके की जॉब भी जो है वो हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। और कोई आप संदेश देना चाहें हमारे युवाओं को तो जरूर दीजिए। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आज काफी टाइम बाद मनोज हमारे कॉलेज के साथी हैं, ये मुझे मिले अचानक। वो ये उस टाइम हमने इनको प्रेसिडेंट भी बनाया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इनको देखकर, मिलकर वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि हमें भी बाहर क्या है, फॉरेन में भी क्या है, कि अच्छे जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। और टीचिंग का जॉब बहुत है वहाँ पर, जैसे सऊदी एम्बेसी स्कूल है उसमें 19,000 बच्चे पढ़ते हैं अपने इंडिया में, हमें मालूम ही नहीं है। तो बहुत सारे जॉब है वहाँ पर, 400 से 500 का स्टाफ है। तो राजस्थानी जो है बहुत सारे जो है उनको टीचिंग जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बाहर जाएं तो अच्छे जॉब में जाएं तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नया अनुभव दिया हमें, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर। आप Thank you.
भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल पिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक मिलिट्री नवोदय स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल पिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। 9 होमवर्क 9 लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह